Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing your work properly. So students, in this video we will do solution of lesson 5th in history of class 8th, which name is When People Rebel 1857 and After. So students, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम. एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और बताएं कि आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि हम इस वीडियो में लेसन 5th का सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन विद रिवीजन हम करेंगे. और हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स का. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, What was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the Britishers? तो students, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो question ये है. अब इसका answer देख लेते हैं students, क्या है answer है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडोप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बट द ब्रिटिश रिफ्यूज दिस डिमांड ऑफ हर. यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो चाहती थी कि उसका जो गोद लिया हुआ बेटा था उसे राजा बना दिया जाए उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस डिमांड को स्वीकार करने से मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया. क्योंकि आपने लेसन में देखा होगा कि एक पॉलिसी इन्होंने चलाई थी ब्रिटिशर्स ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है और उसका कोई मेल वारिस नहीं है, उसका कोई लड़का नहीं है, तो वो उस राजा का सारा एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ चला जाएगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं था. एंड आर सेकेंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. यानी कि ईसाई धर्म को अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कि अंग्रेज क्या ईसाइयों की, जो ईसाई रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, उनकी रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? तो इसका बहुत छोटा सा आंसर मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, दैट इज दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेक्टर्स. यानी कि जो लोग ईसाई धर्म को मान लेते हैं उनसे उनकी जो पूर्वजों की जो उनकी प्रॉपर्टी है वो नहीं ली जाएगी, वो उन्हीं को ही दे दी जाएगी. तो इस लोभ में काफ़ी लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपोइज हैव टू द न्यू कार्ट्रेज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज. यानी कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो स्टूडेंट्स, ये आपने लेसन में भी देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था. ब्रिटिशर्स ने बहुत से हिंदू और मुस्लिम लोगों को अपनी आर्मी में सिपाही बना लिया था, और उन्होंने एक दिन जो है कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया सिपाहियों ने. तो क्या रीज़न था? तो स्टूडेंट्स, वो रीज़न था कि द सिपोए ऑब्जेक्टेड द न्यू कार्ट्रेज That they were asked to use were coated with the fat of cows and pigs. यानी कि जो सिपाही को जो न्यू कार्ट्रेज दिए गए थे स्टूडेंट्स, यानी कि जो नए कारतूस दिए गए थे, वो कारतूस पहले मुँह से छीलने पड़ते थे. तो जो कारतूस नए आए थे उनको कोट किया गया था, मतलब उनके ऊपर एक लेप किया गया था जो कि गाय एंड सुअर के फैट से लेप किया गया था. तो सिपाहियों को ये था कि उनसे उनका धर्म भ्रष्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें ये वाले कार्ट्रेज दिए गए हैं. तो उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट मना करने से मना कर दिया और इन कार्ट्रेज का यूज करने से मना कर दिया. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट्स,
हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पेरियर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, तो अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरीके से बिताए, किस तरह बिताए, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर है कि द लास्ट मुगल एम्पेरियर बहादुर शाह जफर, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था स्टूडेंट्स, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो था बहादुर शाह जफर। और उसने स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन ए जेल इन रंगून अलोंग विद हिज वाइफ, तो उसने अपनी लाइफ के जो अंतिम वर्ष थे वो रंगून की जेल में बिताए अपनी पत्नी के साथ, और वहीं पर उसकी डेथ भी हुई थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वट कुड बी द रीजन्स फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजिशन इन इंडिया बिफोर मे 1857, यानी कि ये है स्टूडेंट्स की मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे, यानी कि 1857 से पहले स्टूडेंट्स अंग्रेज जो हैं बहुत ही मतलब अपने आप को पावरफुल समझने लग गए थे इंडिया में, तो वो क्या रीजन था कि वो अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे, तो यही इस क्वेश्चन ने पूछा है। अब इसका आंसर देखते हैं हम कि क्या रीजन था। तो द रीजन्स फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजिशन इन इंडिया बिफोर मे 1857 वर, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स द मुगल एम्पेरियर हैड लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, यानी कि जो मुगल शासक थे स्टूडेंट्स वो उन्होंने अपनी पावर को खो दिया था, उनके अंडर में जितने भी उनकी रियासतें थी वो अब अंग्रेजों के कंट्रोल में हो गई थी। दे हैड नो यूनिटी अमोंग देमसेल्फ, और उनके बीच में आपस में क्या नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। तो ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि अगर यूनिटी नहीं है तो कोई भी हमारी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठा लिया। सेकंड पॉइंट इज द पावर्स ऑफ नवाब एंड राजस जमींदार्स वर इरोडेड एंड देयर आर्म्ड फोर्स वर डिसबैंड, यानी कि जो राजा के पास या नवाब के पास या जमींदारों के पास जो पावर थी उनको ख़त्म कर दिया गया, और उनकी जो आर्मी फोर्स थी उस पर बैन लगा दिया गया कि कोई भी नवाब या राजा या जमींदार अपने पास आर्मी नहीं रख सकता, आर्मी रखने का टोटल जो राइट है वो केवल ब्रिटिशर्स का ही है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज रेजिडेंट्स वर कैप्ट इन कोर्ट ऑफ द लोकल रूलर्स, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स वाज रिड्यूज, यानी कि जो लोकल रूलर्स थे उनका जो एरिया था वो भी क्या कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया, सारा उनका रिवेन्यू सिस्टम अपने अंडर ले लिया, और जो रूलर्स की जो शासक थे उनकी जो आज़ादी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। नाउ वी विल डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, वट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर स्पोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज, तो यानी कि ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर दिखाई दिए, तो वही बताना है कि जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को समर्थन दे दिया, यानी कि जो लोग थे, जो लोग विद्रोहियाँ, यहाँ पर रिबेलियन उन लोगों को बोला जा रहा है स्टूडेंट्स जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे थे, उन लोगों को अपना समर्थन दे दिया बहादुर शाह जफर ने, तो इसका इम्पैक्ट बताना है हमने क्या रहा। तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स ये है कि पीपल बिकेम ग्रेटली इंस्पायर्ड विद द न्यूज दैट बहादुर शाह हैड सपोर्टेड द रिबेल्स, दे शा ए रे ऑफ होप टू थ्रो आउट द ओप्रेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव ब्रिटिश रूल, यानी कि
कि जब लोगों को ये न्यूज़ मिली कि बहादुर शाह जफर भी अब जो क्रांतिकारी लोग थे या जो विद्रोही थे उनके साथ हो गए हैं, तो लोगों को लोग इंस्पायर्ड हुए इस चीज़ से, कि काफ़ी प्रभावित हुए, लोगों के अंदर थोड़ी और हिम्मत आई कि जब हमारा रूलर ही जब हमारे साथ है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें एक आशा की किरण थी कि अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं, कि जो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर दबाव बना रखा था या जो शोषण ब्रिटिशर्स कर रहे थे, अब वो उनको ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंक सकते हैं, यानी कि उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सेस इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंडलॉर्ड्स ऑफ अवध, यानी कि अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनसे समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। बागी भूस्वामी मतलब रिबेल लैंड ओनर्स, मतलब कि वो लोग जो कि पहले लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन वो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए, उन्होंने भी काफ़ी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया सो दैट कि वो लोग अंग्रेजों की बात मानने शुरू हो जाए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ब्रिटिश सक्सेडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशंस ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। तो ये पॉइंट्स यहाँ मैंने बनाए हैं, आप पॉइंट्स को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। पॉइंट्स नंबर वन इज दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द लैंड ओनर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अब जमींदारों को क्या दे दिया, उनका जो पूर्वजों की जो राइट्स थे, यानी कि उनके जो पिछले पुराने जो राइट्स थे विरासत में जो उन्हें मिले वो उन्हें दे दिए गए। देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सीज, और टैक्स में उन्हें छूट दे दी गई। देवर रिवार्डेड, उन्हें प्राइज दिया गया। एंड दे वुड बी सेफ एंड देयर राइट्स क्लेम वुड नॉट बी डिनाइड टू देम, यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि वो सेफ हैं और उनके जो राइट्स हैं या जो क्लेम्स हैं अब उन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इन तरीक़ों से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो जमींदार थे वो उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो अब ब्रिटिशर्स की बात माने, उनको ये छूट दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर एट है स्टूडेंट्स, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरीके से बदली, यानी कि स्टूडेंट्स 1857 जो है वो मैं कहूँगी कि हमारी फर्स्ट लड़ाई कहेंगे हम, पहला युद्ध कहेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो इंडियंस ने किया, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा, इंडियंस को कुछ ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं हुआ। बट क्योंकि बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ कि उस टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था हमारे इंडिया में, यानी कि सभी लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाए और सभी जगह एकदम से विद्रोह नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट हुए जो कि अच्छे इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के फ्री होने के कुछ इम्पैक्ट यहाँ से शुरू हो गए थे। कहाँ से? 1857 से। तो 1857 की जो विद्रोह किया इंडियंस ने, उसके बाद क्या चेंजेज अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज में किए, तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर है स्टूडेंट्स कि इसके जो पॉइंट्स भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट्स इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज अबोलिश्ड, यानी कि जो विलय और नीति की पॉलिसी थी वो अब बंद कर दी गई, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई ने जिसके लिए डिमांड की थी, अभी ऊपर ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर ये एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी राजा का लड़का नहीं है और उस राजा की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उसका राज्य, पूरा राज्य ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा।
लेकिन अब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी को बंद कर दिया। सेकंड इज द नंबर ऑफ इंडियन सिपॉयज वाज रिड्यूस्ड इन द आर्मी सो दैट इन फ्यूचर दे वुड नॉट बी एबल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि अब इंडियन सिपॉय जो थे, भारतीय लोग जिनको आर्मी में ले रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो अब कम कर दिए, और ताकि फ्यूचर में कम इसलिए कर दिए ताकि फ्यूचर में कोई भी इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि कार्ट्रेज की वजह से सिपॉय भी क्या चले गए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए थे। थर्ड इज जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स राइट वर फर्दर इनहेंस्ड। यानी जमींदार और जो लैंड ओनर्स थे उनके जो राइट्स थे, उनके जो अधिकार थे, वो बढ़ा दिए गए। फोर्थ इज द क्राउन प्रोमिस दैट इट वुड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजन ऑफ द पीपल। यानी कि फोर्थ है कि जो क्राउन, मतलब यहाँ रानी की बात हो रही है, कि ब्रिटिशर्स ने अपनी एक रानी या राजा वो रखेंगे जो कि सारे डिसीजन लेगा। तो सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ बता रहा है कि उसने प्रॉमिस किया कि वो अब इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब दखलअंदाजी नहीं करेगा किसी भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन के लोगों के बीच किसी भी तरीके की कोई दखलअंदाजी अब नहीं करेगा, या जो भी राजा या रानी होगा वो। एंड लास्ट पॉइंट इज ए वायसराय एंड ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि एक वायसराय या फिर एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा जो कि भारत अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन में रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, तो उसके लिए एक वायसराय और एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा जो ये काम करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, इनको राइट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट आंसर बनाए हैं मैंने, और आंसर में मेन पॉइंट मैंने उठाए हैं सो दैट कि आपको अच्छे से आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, स्टे होम स्टे सेफ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको अच्छे से समझ आया। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।